नमस्ते साहब, मैडम कहाँ है? मैडम तो मायके गई हैं, लेकिन मैं तब से बहुत अकेला हो गया हूँ। अच्छा हो तुम आ गई, मेरा अकेलापन दूर कर दोगी तुम? क्या मजाक कर रहा हूँ साहब जी, मैडम ने बोला था वो पगार देंगी, आज पहली तारीख है। तुम पहले घर का काम कर लो। हाँ जी साहब जी। साहब मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। अरे सुनो जी, वो पगार नहीं लेके जाओगे क्या? हाँ दे दीजिए। हाँ तुम एक काम करो, एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए, मैं तब तक थूक लगा के नोट गिन लेता हूँ। साहब पानी। अरे सॉरी शिट यार, तुम तो पूरी गीली हो गई। सब कोई बात नहीं, मैं घर चली जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे घर जाऊँ, मेरी वाइफ है उसके कपड़े पहन लो। नहीं साहब, मैं घर पे मैं बदल दूंगी। अरे मेरी बात मानो, ऐसी हालत में जाओगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, ऐसे अच्छा लगता है? तुम जाओ, मेरी वाइफ के कपड़े आराम से चेंज करो, ठीक है? हाँ जाओ। साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुमने ये क्या पहन लिया? तुम ये पहनो। हमारे में ये सब नहीं पहनते। और आप बाहर जाइए, मैं अभी बदल रही थी। अच्छा तो मैं अपने ही रूम से बाहर चला जाऊं? चलो एक काम करते, मैं ना अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और तुम चेंज कर लो। ये क्या बोल रहे हैं? अरे एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, और तुम्हारी मैडम से बोलकर तुम्हारी पगार भी बढ़वा दूंगा। क्या हुआ, तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? सुनने का है तुम्हारी? साहब देखिए ना, इसको भी उसी नजर से देखिए जिस नजर से मुझे देख रहे थे। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि ये आपकी बहन है और मैं एक काम वाली बाई। अरे आप जैसे मर्द की वजह से हम औरतें मर्दों के बीच काम करने से डरती हैं। आपको क्या लगा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते। सब समझ रही थी पर चुप थी अपने परिवार के बारे में सोचकर, कि उनकी इज्जत खराब होगी, मेरी इज्जत खराब होगी। पर आप लोगों की भी कोई गलती नहीं, गलती हम औरतों की है जो हमेशा चुप रह जाती हैं, डर जाती हैं अपनी इज्जत के बारे में सोचकर। पर अब ऐसा नहीं है, अब मैं आवाज उठाऊंगी और जरूर उठाऊंगी। नहीं सोचूंगी कि मेरा परिवार क्या सोचेगा, मेरी इज्जत को क्या होगा। अब आप